हम आज आए हैं गाम नराली, तालुको धांगध्रा, जिलो सुरेंद्रनगर, गुजरात में। और गुजरात में एक खेडूत है जिनसे हम आज मिलने वाले हैं, जिनका नाम है नवगण भाई हेमूभाई ठाकुर। और इनके पुरखों की खेती चल रही है और आज ये भी खेती कर रहे हैं। लगभग नवगण भाई करीब करीब 13 साल के थे तभी से उनके पिताजी के साथ इन्होंने खेती शुरू की थी और तब से अभी तक खेती कर रहे हैं। और गए साल में, इसी साल में लगभग फरवरी के माह में इनको एक विचार आया कि चलो ना कुछ इस साल नया करते हैं। तो आने वाली तारीख उनकी थी 22/2/2022, यानी कि 2 2 का 6 बार का संयोग हो रहा था। तो इन्होंने सोचा इस तारीख को यादगार हम बनाते हैं और कुछ नया करते। फिर इन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम कपास की खेती एडवांस में करके देखें। तो फिर इन्होंने 22/2/2022 को कपास लगाया, उसकी बुआई की थी, और जो कि बिना सीजन की होती है। कायदे सर सीजन होती है इनकी लगभग मई 5वां महीने में शुरू होती है, लेकिन इन्होंने दूसरे महीने यानी कि फरवरी के महीने में इन्होंने खेती की। और फिर कई दिक्कतों का सामना किया, गर्मी का सामना किया, लगभग 46-47 डिग्री इनका तापमान रहा, फिर भी इन्होंने अच्छा कपास किया। और ये आप कपास की खेती देख सकते हो, इनकी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इनको। और कई दिक्कतों का सामना करने के बावजूद इनको एक अच्छा रिजल्ट मिला है और आज इनका कपास बहुत बड़ी लंबाई में पहुंचा है और बहुत अच्छी इनकी खेती हुई है। और लगभग पहली वीणी इनकी हो चुकी है जो कि 2 क्विंटल 30 किलो थी। और मंडी में इन्होंने कपास बेचा तो आम तौर पे जितना इनकी कीमत मिलती है, दाम मिलता है, उससे 5 गुना ज़्यादा इनको मंडी में दाम मिला है। व्यापारी ने इनको बहुत अच्छा सा दाम दिया है, लगभग 1 क्विंटल का 25,500 इनको दाम मिला है। तो इस वजह से खेडूत को एक उत्साह है, एक खुशी है कि हमने कुछ नया किया और उसका हमें अच्छा दाम मिला। तो इनका नाम है नवगण भाई और ये लगभग माना जाए तो अनपढ़ है, ना ही तो इनको कोई पढ़ाई की है, ना ही कुछ किया है, फिर भी एक इनकी सूझबूझ से इन्होंने ये अपने खुद की सूझबूझ से कपास की खेती की है और खेती में अच्छी महारत हासिल की है। तो आज कई कंपनी वाले, कई मीडिया वाले, कई और खेडूत इनका कपास देखने आते हैं, इनकी खेती देखने आते हैं, खेत देखते हैं और अचंभित हो जाते हैं देख के और सोचते हैं कि नवगण भाई ने वाकई में कमाल कर दिखाया है। और इनसे आज बहुत हर रोज़ फ़ोन भी आते हैं खेडूतों का, कंपनी वाले, मीडिया वाले इनसे सलाह सूचन लेने आते हैं। तो ऐसे इन्होंने एक अनपढ़ होते हुए भी एक नई कृषि की शुरुआत की है जो कि बिना सीजन की होती है और बिन सीजन में ही इन्होंने कपास लगा के एक अच्छा उत्पादन लिया है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इनका जो कपास का खेत है, इसके बाजू में ही, इधर 100 मीटर बाजू में ही कच्छ का छोटा रण लगता है। और कच्छ का छोटा रण लगता है तो वो पूरी ज़मीन खार वाली होती है, कच्छ के छोटे रण में नमक की खेती ज़्यादा होती है। तो पास में ही 100 मीटर में ही नमक की खेती होती है और 100 मीटर के बाजू में इनका खेत लगता है। जैसे रण खत्म होता है इनका खेती बाड़ी शुरू होती है। तो इनकी खेती में भी नमक की वजह से खार लग जाता है और खार वाली ज़मीन में उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है, उसमें खेती नहीं हो पाती है। फिर भी इन्होंने अपनी सूझबूझ से यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर इनका दूसरा खेत है गांव में, वहाँ से पाइपलाइन के द्वारा इन्होंने बोरिंग से पानी मंगवाया और उस पानी से, मीठे पानी से, खारी ज़मीन में मीठे पानी डाल के इन्होंने ये खेती पकाई है और बहुत अच्छी खेती उन्होंने पकाई है जो कि आम तौर पे आम ज़मीन में कोई भी खेडूत नहीं ले पाता है। ऐसा उत्पादन इन्होंने खार वाली ज़मीन में मीठे पानी से खेती करके उत्पादन लिया है। तो इनके मुँह से कुछ सुनेंगे, बात करिए। तो ये है कच्छ का छोटा रण जो कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं और ये कच्छ का छोटा रण है और इसके बाजू में 100 मीटर में ही नवगण भाई की वाड़ी है जो कि खेत इनका है जहाँ हमने कपास लगाया है। तो ये कच्छ का रण आप देख सकते हो, एकदम सत्य जानकारी है। और कच्छ के रण के बाजू में ही, पास में ही, 100 मीटर के पास में ही इनकी खेती बाड़ी है। आम सीजन में चुमासे में जो कपास होता है वो जो कि मई और जून के बीच में लगाते हैं, ये मई में लगाए हुए कपास है। ये खेती इतनी हुई है, हर साल ही ऐसे ही खेडूत लोग
पूरे गुजरात में ऐसे खेती करते हैं, मई और जून के बीच में कपास लगाते हैं और करीब करीब इस समय तक ये कपास 2 महीने या 1.5 महीने का इतना होता है। और ये कपास है जो नवगण भाई ने आविष्कार किया है और फरवरी 22/2/2022 को उन्होंने उगाया था और आज ये इतना बड़ा कपास हो चुका है। और ये कपास की खेती बहुत अच्छे तरीके से की है और अच्छा हुआ है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। नवगण भाई ने अगले साल अषाढ़ महीने में यानी कि लगभग जुलाई महीने में इन्होंने एक नया अखतरा किया था जो कि जीरा का, जो कि जीरा ऐसे तो सियाड़े में होता है लेकिन इन्होंने चुमासे में अखतरा किया था और फिर 1.5-2 महीना तक रहा था, फिर इनको निष्फलता मिली थी उसमें, जीरा की खेती अच्छी हुई नहीं थी। लेकिन इस बार इन्होंने सोचा कि और कुछ नया करते, इन्होंने हार नहीं मानी और फिर फरवरी महीने में इन्होंने कपास लगाने की सोची और 22/2/2022 को इन्होंने कपास की खेती की जिसमें इनको सफलता मिली है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर एक बार निष्फल हो जाए तो दूसरी बार सफल नहीं होंगे, निष्फलता ही सफलता का एक सच्चा सूत्र होता है और इन्होंने ये साबित करके दिखाया है। કચ્છનું નાનું રણ છે, આને બાજુમાં અમારી ખેતી ખેતીવાડી આવેલી છે. હવે 100 મીટરનું જ ખાલી અંતર છે અમારે ને કચ્છના નાના રણને. એના એક બાજુ નમક પાકે છે, એક બાજુ અમે કપાસ પકવી, પાઇપલાઇન અમે ઠેર ગામમાં લાઇન નાખીને પાણી લઈએ છીએ. 18,500 ફૂટ ખેતે લઈએ છીએ, બહુ મોટો અમે ખર્ચો પાડ્યો છે. એક બાજુ આમ આખો માહોલ જ બીજો છે, એક બાજુ નમક 100 મીટરમાં, એક બાજુ ખેતી કપાસ પાકે છે 100 મીટરની અંદર. આ રીતે અમે હાંધો પ્રયોગ કર્યો છે. અને આ કપાસ વાવવાનું કારણ શું છે કે અમે બે ભાઈઓએ બહેન વિચાર કર્યો કે 6 બગડા ભેગા થવાના, આ કુદી વર્ષોમાં એમ ભેગા થવાના નથી. તો કીધું આપણે કંઈક યાદગારી 6 બગડાની યાદગારીમાં આપણે કંઈક કરવી. પછી અમે કપાસ વાવ્યો 22/2/2022 નું કપાનું રોપણી કરી, યાદગાર બનાવવા હતું કે કચ્છનું નાનું રણ એક બાજુ અમારી વાડી ને આવું ઉનાળામાં અમે 47-47 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર થઈ જાય છે એમાં અમે આ કપા ઉછેરીને મોટો કર્યો.